एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने बताई थी बंगाली लुक के साथ हेयर स्टाइल कैसे अच्छी लगेगी और किस टाइप से आपको बनानी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर जल्दी से देख लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी एक और चैनल है जिसपे मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डालती हूँ, कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग की, डिजाइनर ड्रेस की वीडियोज डालती हूँ। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर ब्लॉग की वीडियो भी डालती हूँ, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको जो ज़्यादा अच्छी लगती हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो उस चैनल पे डालूंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ अपना बैंग्स हेयर कट। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम बैंग्स हेयर कट करो अपना, तो मैं अभी अपना बैंग्स हेयर कट करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हो। हाँ, लाइक तो अभी से कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो बाद में। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बालों की वी सेक्शन में पार्टिंग कर लेनी है, इस तरीके से। देन फिर से यहाँ से, ओके, वी सेक्शन में कुछ इस तरीके से आपको पार्टिंग करनी है। एक बार और, ये जो आपका आईब्रो का आर्च है यहाँ से आपको लेके जाना है। एक पहले मैं सारे वालों को पीछे कर दूँ ताकि वी सेक्शन निकालने में आसानी हो। ये वाला जो आईब्रो का आर्च होता है यहाँ से आपको लेके जाना है कॉम, और यहाँ तक ही वापस निकालना है, ओके। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन ले लेना है। बाकी बचे बालों को आपको पीछे पोनी बना लेनी, अच्छे से वी सेक्शन निकाल लेना है। आप पीछे देख लो, आईब्रो का जो आर्च होता है ये वाला उठाव वाला पॉइंट होता है वहां तक आपको लेना है। तो ये लगभग अच्छे से हो चुका है मेरा। तो इस तरीके से निकालने के बाद से आपको सारे बालों को बैक साइड में पीछे कॉम कर लेना है, ओके। तो मैंने पीछे पोनी बना ली है और ये सारे बाल मेरे फ्रंट में आ गए हैं, ओके। अच्छा सा कट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने वी सेक्शन दिया है इसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे ऐसे, ओके। ये बैक साइड में चला जाएगा एकदम स्ट्रेट लेके, इसको आपको बैक साइड में करना है। और पहले जो आपने फ्रंट साइड में लिए हैं उसको आपको जितना लेंथ रखना है उतना आप कट कर दोगे। तो मैं मूंछ तक लेंथ रख रही हूँ अपना, आपको जितना शॉर्ट चाहिए आप उस हिसाब से कट कर सकते हो, ओके। इतने हेयर मेरे कट हुए हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब आपको लेना है जो आपने छोड़े थे ये वाले हेयर, और जो आपने पहले कट किया था उससे थोड़ा सा लंबा इसको कट करना है। जैसे नोज तक कट किया था तो इसको आपको लिप्स तक कट कर देना है, ओके। अभी मेरे इतने लंबे हेयर निकल गए, अभी आप इसको साइड में करके देखो। मेरे बालों में कलर है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये ऐसे दिख रहे हैं। अभी आपको अगर थोड़ा सा और कट करना है तो आप कट कर सकते हो, थोड़े से बाल और ज़्यादा ले सकते हो। एक बार इसको रीचेकिंग करते हैं, ये ज़्यादा लंबा कट गया है नीचे वाला, तो थोड़ा सा और कट कर लूँगी ताकि हमारी कटिंग अच्छी से दिखे, ओके। तो अभी इसको साइड में कर देंगे, अभी हमारी परफेक्ट कटिंग आ गई है, वाह। तो आपको भी साइड से इस तरीके से कट करना हो तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो और बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा आपका। और जैसे यहाँ से आपको लॉन्ग में रखना है, तो मैं फिर से हेयर को ओपन करती हूँ
वाओ, इसको आप स्ट्रेट कर लोगे तो ये ऐसे कुछ लुक आ जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। ओके, तो हमेशा ड्राई कट की भी रिक्वेस्ट आती रहती है, तो मैंने सोचा कि इस बार अपने बालों को ड्राई कट ही करके दिखाऊं। ओके, अभी आपको साइड से जो लॉन्ग वाला हेयर होता है उसको कट करना है, तो आप थोड़े थोड़े 1 इंच तक यहाँ से हेयर ले लोगे। तो ये मेरे लगभग शॉर्ट ही हैं सारे, थोड़े से और ले लेती हूँ। ओके, इसको आप चेक कर लो इस तरीके से, आप तिरछे में इसको कट कर, इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का भी कट करना है। ये आप हाई पोनीटेल, हाई बन, किसी के भी साथ ये वाला बैंग्स कट, आप क्लिप्स कट, साइड क्लिप्स कट ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मेरी तरह अगर आपकी भी कर्ली हेयर है तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। कैसा लग रहा है गाइस? इस तरीके से मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। तो और भी बहुत सारी हेयर कट की वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी मेरी हेयर कट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको आप हाई पोनीटेल हाई बन किसी के भी साथ क्रिएट कैरी कर सकते हो। देखिए, अगर आपने पफ भी बनाया है और ये वाला बैंग्स आप निकालोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से पफ बनाओ, ये वाले बैंग्स निकालो, तो साइड से जो मैंने ये कट किया था इसको निकाल लो बस। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ये हेयर कट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, और मेरा इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल को भी ज़रूर देखिएगा। तो ये पफ के साथ ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है मुझे, बाकी आप बताना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।